subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा न्यूज में। इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पिछले मुकाबले से मुंबई ने टीम में कोई बदलाव नहीं किए, वहीं पंजाब ने रवि बिश्नोई को मुर्गन अश्विन की जगह टीम में शामिल किया। आज मैच से पहले मुंबई की टीम अंक तालिका में 4 में से 2 मैच जीतकर चौथे स्थान पर, वहीं पंजाब की टीम 4 में से 1 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। टॉस हारकर मुंबई की तरफ से एक बार फिर से रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की, वहीं पंजाब की तरफ से मोजेस हेनरिक्स ने गेंदबाजी की कमान संभाली। आज मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में टीम के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक पवेलियन लौट गए। उन्हें दीपक हुडा ने अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ऑन विकेट के हाथों कैच करवाया। डिकॉक सिर्फ 3 रन बनाए और आउट हुए। क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद ईशान किशन को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया, लेकिन आज मुंबई के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट पर 21 रन था, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है इस सीजन में। पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में ईशान किशन अपना पहला मैच खेल रहे रवि बिश्नोई का शिकार बने। ईशान ने 17 गेंदों में 6 रन बनाए और आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम को शुरुआती झटकों से उबारने में काम किया। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। यहां से मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए आईपीएल में अपना 40वां अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 14 ओवर के बाद इनिंग का दूसरा टाइम आउट लिया गया और इस समय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 88 रन था। यहां से मुंबई इंडियंस शुरुआती झटकों से उभरते हुए एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव तेजी से रनों की रफ्तार बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद रवि बिश्नोई ने अपने कोटे के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेजा। सूर्य कुमार 27 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कायरन पोलार्ड और अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने रोहित शर्मा को फेबिलियन एलन के हाथों कैच करवाया। रोहित 52 गेंद में 63 रन बनाकर आउट हुए। यहां से पंजाब के गेंदबाजों ने आखिरी 4 ओवर में जबरदस्त वापसी करते हुए महज 34 रन देकर मुंबई के 4 बड़े विकेट झटके। पहले ओवर से शुरू हुआ मुंबई का संघर्ष आखिरी ओवर तक जारी रहा और टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 130 रन बना सकी। कप्तान रोहित ने 51 बॉल पर सबसे ज़्यादा 63 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी 33 रन बनाए। वहीं पंजाब के लिए सीजन का पहला मैच खेल रहे रवि बिश्नोई ने 2 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। जवाब में 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने एक बार फिर पंजाब के लिए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने पारी की शुरुआत की। राहुल और मयंक इस बार पुरानी गलतियों को दोहराने से बचे और पावर प्ले को अच्छे से बुनाया। 6 ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर बिना कोई नुकसान 45 रन था। इस समय मुंबई को मैच में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी और राहुल चहर ने एक बार फिर से मुंबई को पहली सफलता दिलवाई। चाहर ने अपने दूसरे ही ओवर में मयंक अग्रवाल को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच करवाया। मयंक 20 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान का साथ देने आए यूनिवर्स बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गिल। यहां से 9 ओवर के बाद इनिंग का पहला टाइम आउट लिया गया और इस समय तक पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 57 रन था। केएल राहुल और क्रिस गेल ने धीमी मगर अच्छी साझेदारी करी और 15 ओवर के बाद टीम के स्कोर को 99 तक पहुंचाया। यहां से जीत के लिए पंजाब को 30 गेंदों में 33 रनों की जरूरत थी। मैच अभी भी एक नाजुक मोड़ पर था। इसके बाद एक छोर से टिककर खेल रहे कप्तान केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी 18 गेंद में पंजाब को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और पंजाब ने बोल्ट के इसी ओवर में यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। आप अपने स्क्रीन पर मैच का हाल देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.